Is my voice clear to you? Yes, ma'am. So last time हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए. मैम इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन आंसर तक हो गया था. हो गया क्वेश्चन आंसर. कितना हुआ था क्वेश्चन आंसर, नंबर बताइए. मैम पूरा हो गया था. पूरा हो गया था. अच्छा और मैम यू वो स्क्वायरल पोएम का और द रेबेल मैम पोएम का वो करवा दी थी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. कराना है, करवा दी. अच्छा चलो गुड. ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नॉइज एंड स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटनिंग महेंद्रन, ये वाला क्वेश्चन हुआ है. बताइए बच्चों, आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है? जैनब? यस मैम दिख रहा है वीडियो. अच्छा सो लास्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा था जो हुआ है. मैम फिफ्थ तक करवाई है. क्वेश्चन पढ़ो. आदित्य और जैनब, ये बताइए कल कौन सा डे है? मैम फादर्स डे. फादर्स डे. सो फादर्स डे की एक्टिविटी आप लोगों को पता चली क्या करनी है? यस मैम एक कार्ड बनाना है और एक चार्ट पेपर पे स्पीच बोलना है. हाँ सबको पता चल गया है. आदित्य कृति आप लोगों को पता चल गया है? तो ऑनलाइन क्लास में आपको अपने फादर के लिए कुछ वर्ड्स बोलने हैं और उसके बाद आप जो पोस्टर या कार्ड बनाओगे उसकी फोटो सर के नंबर पे सेंड कर देनी है. ये बताइए बच्चों कि मंडे को कौन सा डे है? मंडे को है योगा डे. हाँ सो योगा डे पर क्या करना है बताइए. योगा आप लोग योगा करवाएंगे और हम लोग दूसरे मोबाइल से करेंगे और दूसरे मोबाइल से मम्मी पापा फोटो खींच के भेजेंगे. एक एक करके आप लोगों को योगा की एटलीस्ट दो एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो एब्सेंट होगा उसका सीधा इफेक्ट उसके एग्जाम्स पर जाएगा. एक्टिविटीज में किसी को भी एब्सेंट नहीं होना है. एक्टिविटीज में पूरी तरह से जितने भी लोग हैं क्लास में सबको प्रेजेंट रहना है और जो एक्टिविटी बताई गई है उसमें पूरी तरह से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है. सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि योगा डे पर हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बोलेंगे, एक एक का नाम लेंगे और आप लोगों को
कम से कम दो एक्सरसाइजेस करके दिखानी है एंड यू हैव टू टेल अस द बेनिफिट ऑफ दोज एक्सरसाइजेस इन इंग्लिश. ठीक है, जो आप एक्सरसाइज करोगे उसका जो बेनिफिट होता है, मतलब उसका जो भी बेनिफिट है उस एक्सरसाइज करने से जिस भी बॉडी पार्ट को बेनिफिट मिलता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है. जैसे आपने अगर कपालभाति करी है, ठीक है, सो कपालभाति आप करके तो दिखाएंगे, उसके बाद यू हैव टू टेल अस द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति. सो आपको बताना है कि इससे ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है ना, माइंड बहुत ही शार्प होता है और कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ती है. तो इस तरह से आप कम से कम दो तीन इसके पॉइंट्स बताएंगे जिसमें आप ये बताओगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और हमको ये करने से क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में फायदा होगा. सो मंडे और सैटरडे का समझ में आ गया जो प्रोग्राम है? हाँ हाँ, चलो किसी को कोई बाकी दिक्कत होगी तो पूछ लेना, आज का टाइम है क्योंकि कल आपको एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग भूलो ना और कंफ्यूज ना हो. सैटरडे को कौन सी एक्टिविटी है बताओ? सैटरडे को है वो फादर्स डे मैम, फादर्स डे. और मंडे को क्या है मैम? योगा डे. योगा, योगा डे पर आप लोगों को पता है कि यू हैव टू वियर स्ट्रेचेबल क्लोथ्स. ठीक है, ऐसे कपड़े पहनने हैं जो थोड़े से लूज हो और स्ट्रेचेबल हो, कोई टाइट जीन्स पहन के योगा नहीं करेगा. और योगा के लिए आपको अपना मोबाइल ऐसी जगह पर रखना है जहां से हमें आपका पूरा बॉडी दिखे. ठीक है, जहां आप एक मैट बिछाओगे जमीन पर, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड में आपका क्लियर वॉल हो, उसके नीचे आप एक मैट बिछाओगे, मैट के ऊपर कोई भी आपके पास जो दरी हो जिससे आप कंफर्टेबली जमीन पर एक्सरसाइज कर पाओ, उसको बिछा कर आप एक्सरसाइज करोगे. दो एक्सरसाइज हमें करके दिखाओगे और उसके बेनिफिट भी बताओ. ठीक है? यस मैम. हाँ, बाकी आप लोगों को खुद ही पता है योगा के बारे में कि क्या क्या चीजें होती है. आप लोग हमेशा टीवी पर देखते रहते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी योगा के बारे में कितनी अवेयरनेस फैलाई है. सो आप लोग अच्छे से इसको कर लेना. सो एज यू ऑल से कि हमने सेकेंड वाले चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर कर लिया है. देखकर कॉपी में बताओ कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है मैम, पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक का करवा दी है आप? पहला वाला कराए हैं. व्हाट वाज द नॉइज? ये यहाँ तक. कॉपी में कुछ लिख कर रखा नहीं है क्या? देखकर बताइए ना. मैम आप पोयम का रेफरेंस करवा रही थी? नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर भी हमने कराया है ना फिफ्थ तक. ये जो फ्राइटेंड वाला है ये करा दिया था ना, कि व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र, कराया था ना कृति? यस मैम. हाँ, अब एक और कॉम्प्रिहेंशन बचा है उसको कर लेते हैं. पेज नंबर 28 पर आ जाइए. उसमें देखो क्वेश्चन है कि द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक.
रीड अलाउड द सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस द आइडिया. सो इसका आइडिया क्या है, देखो द म्यूजिक मास्टर्स नॉइस सीम टू फ्लोड अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी. यही तो है ना टेक्स्ट में. सो इसका आंसर इसके नीचे लिख दीजिए. क्वेश्चन मिल गया सबको, पेज नंबर 22 पर है, कॉम्प्रिहेंशन चेक तीसरा वाला जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करिए. कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इज The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. Second question is, had the beggar come to Rukmani's house for the first time? Give reason for your answer. अगर जो beggar है वो first time Rukmani के घर गया था, so उसका answer दीजिए. अगर नहीं गया तो भी reason बताइए. So the answer is no. No, the beggar has been coming to Rukmani's house for last 1 week. Last 1 week the beggar himself confirms this saying that he has survived for a week because of Rukmani's kindness. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्मड बिटवीन हर आईब्रो. हर आईब्रोज
what does it suggest? Do you suggest to you about Rukmani's mood? So here the answer. The V-shaped line suggests that Rukmani was very angry. And was about to lose her temper on the children. बच्चों बोर्ड आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? आदित्य yes, कृति जैनब yes, ठीक है yes, ma'am. दिख रहे हो ना yes, ma'am. ओके सो हो जाए देन इन्फॉर्म मी हो गया कृति जैनब आप लोगों का भी हो गया नो मैम लास्ट लाइन बची ठीक नो मैम कर रहे हैं थर्ड वाला मैम हो गया ओके सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए वर्किंग विद द टेक्स्ट उस पे लिखा है 29 पेज नंबर पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो वहां पर आपको फिल करना है रवि कंपेयर्स लली इज प्लेइंग द वॉयलिन टू जैनब रब कर दे यस मैम So complete the sentence जो page number 28 पर है उसका first वाला answer है
डिरेलिंग ऑफ रेन। Of rain, going off rain, going off rain, second वाले का आंसर है tipped a few trees over. थर्ड क्या है? स्टंबल बिहाइंड him on her violin. ये हो गया। फोर्थ वन इज हैव बीन वेरी जेनरस। Generous and help him survive for a week. Fifth one is she had seen his chappals. Chappals. ये हो गया आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट का कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हो जाए देन इनफॉर्म मी। Bony figure he was sitting. मैम ये क्या करवा रही हैं आप? ये वाला हो गया? Yes मैम। ठीक है, सबका कंप्लीट हो गया ये वाला? Yes मैम। हाँ। So इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर। तो यहाँ पर उसी का आंसर हम लिख रहे हैं, म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब करना है कि म्यूजिक टीचर कैसा दिखता था, क्या कर रहा था। क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। विंडो से कैसा दिखाई दे रहा था म्यूजिक टीचर, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। सो ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ He was sitting in front of Lally with his back
मैम टीचर लिखना, उसको भी लिखना है। हाँ ये पहली लाइन है, फिर दूसरी लाइन ये है। टूवर्ड्स द विंडो, मतलब विंडो की तरफ उसकी बैक थी, जहां से मृदु और रवि और उसकी जो और एक बहन थी वो लोग देख रहे थे। He was a bald headed man, मतलब जिसकी जिसके बाल नहीं है, बाल्ड है जो। With finger of oil hair, with fringe of, oiled hairs falling around his ears. Ears he had an old fashioned tough. He had a shining gold chain. In his neck, ring के आगे क्या लिखा है? फ्रिंज के आगे, हाँ क्या पूछ रही हो मैम? ऑफ के बाद किस लाइन में बेटा? इतने सारे लाइन से कहाँ पर पूछ रही हो मैम? थर्ड लाइन ये ओ आई एल ई डी ऑयल, ओ आई L E D oil, ये नीचे वाली लाइन मिटा दे। यस मैम। अ डायमंड रिंग in his hand, he was bearing a golden bordered dhoti his large foot was on the floor and he was beating the floor and he was beating the
floor with his scrawny toe. बच्चों आप लोगों को पता है ना कि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा? यस मैम। तो यूट्यूब पर जाकर जो चीजें छूट गई हैं और जो बाकी रह गई हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? चलो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय।